में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामय प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वर्त राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहां चली आई। हिमवान न जान सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का हड़ताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियो हर ले गई थी इसलिए हड़ताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती है हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चांदमा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल और सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिवे, हे शिव रूपनी, हे मंगल सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्मा रूपनी आपको नमस्कार, हे जगत धात्री आपको नमस्कार, हे शिवाहनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति करने के लिए मैंने आपका पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देने। इस तरह एकाग्र चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे।
हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक वंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा पुत्र शोक से शोका कुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास करने वाली स्त्री न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। चीज को अन्न खाने से सुगरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापे, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजस्पति यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। चढ़ा दीजिए फूल। आरान करुणा बतारा संसार सारा बजे गंधारा सदा वसंतामी दयाल बिंदे भवं भवानी सहित नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्विनायक त्वमेव मम देव देव। एक प्रेम से बोलिए श्री श्याम सदा शिव की जय, माता पार्वती की जय। कुल देवता।